हेलो दोस्तों, सिलाई मशीन 22 में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिलाई मशीन चलते चलते सिलाई ख़राब देने लगती है। दोस्तों, ये देखो ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो दोस्तों, मशीन को किस प्रकार हम अपनी मशीन की सिलाई ठीक कर सकते हैं, और मशीन तीन कारणों की वजह से दोस्तों सिलाई ख़राब करती है, उन तीन कारणों को किस प्रकार हम चेक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, दोस्तों आज इस वीडियो में सारा क्लियर कर देंगे। मशीन की सिलाई चाहे नीचे की ख़राब हो चाहे ऊपर की ख़राब हो, दोस्तों दोनों कंडीशन बताएँगे और वीडियो लास्ट तक देखना। दोस्तों, अगर आपकी मशीन ठीक चलने लगे वीडियो देखने के बाद दोस्तों, तो एक लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना। दोस्तों, हमारी वीडियो दोस्तों सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 6 बजे पब्लिक की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ये मशीन है जो आपको बता रहे थे, ये मशीन दोस्तों सिलाई बिल्कुल ख़राब देती है। ये देखो, आपको सिलाई भी दिखाते हैं इसकी मशीन की। ये देखिए दोस्तों, ये किस कंडीशन में ऐसे गुच्छी बना रही है। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों ऐसी गुच्छी बनाती है। कहीं देखो कितना दाना दे रही है। दोस्तों ये देखो सिलाई किस प्रकार से दे रही है। दोस्तों ये मशीन, इस मशीन ने बिल्कुल ख़राब सिलाई दी है। दोस्तों इस कंडीशन पे अगर आपकी मशीन चल रही हो तो कैसे ठीक कर दें दोस्तों, वो आपको आज सारा बताएंगे। और तीन कंडीशन होती हैं दोस्तों, तीन कंडीशन चेक करने के बाद आपकी मशीन बिल्कुल ठीक सिलाई देने लगेगी। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मशीन कैसे सिलाई दे रही है। दोस्तों कपड़ा भी सुकड़ा रही है। दोस्तों पीछे देखिए, दोस्तों पीछे कपड़ा भी सुकड़ा रही है और एकदम साफ सिलाई नहीं दे रही है। दोस्तों अब अभी आपको पीछे की सिलाई भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों कैसी सिलाई दे रही है मशीन। ये देखो दोस्तों, ये देखिए सिलाई किस प्रकार से दे रही है, बहुत ही ख़राब सिलाई आ रही है। दोस्तों इस कंडीशन को आज कैसे ठीक करेंगे वो आपको बता दें। दोस्तों सबसे पहला कारण होता है दोस्तों अगर मशीन सबसे पहले ऐसी सिलाई देने लगे दोस्तों, तो सबसे पहला कारण है हमारा टेंशन स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को चेक करेंगे, इसके बीच में कहीं गंद तो नहीं जमी है, कोई रेशे का धागा तो नहीं लिबड़ा हुआ। दोस्तों जब इस दाब कम लगाती है दोस्तों, लूज धागा निकलता है, कम दाब लगाएगी तो दोस्तों ऐसे करके देखो, ये ऐसे देखो दाब इसमें कम है। दोस्तों आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, ये देखो मैं और पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल लूज धागा है दोस्तों, ये देखो इसमें दाब नहीं लग पा रहा। दोस्तों इस कारण की वजह से ये सिलाई ख़राब आ रही है। पहला कारण, इसको ठीक करते हैं दोस्तों, इसको क्लियर करते हैं पहले, इसको खोल के दोस्तों इसकी स्प्रिंग खोलेंगे पहले। ये देखो इसके अंदर कोई धागा वागा तो नहीं फंस रहा दोस्तों, ये दाब क्यों कम लगा रही है। दोस्तों थाली खोलेंगे अब। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख भी रहा होगा इसमें धागा फंसा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये धागा लिबड़ा हुआ है दोस्तों, ये रहा, आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों क्लियर, देखो ये रहा। इस धागे की वजह से दोस्तों इसमें दाब कम बन रहा है। पहला कारण तो ये है कि इसी को ढंग से चेक करेंगे। ये देखिए आपके सामने दोस्तों, इसमें से धागा निकल रहा है। ये पहले इस टेंशन स्प्रिंग को अच्छे से साफ कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब पहले इसको अच्छे से ऐसे साफ कर लेंगे कपड़े से, क्योंकि इसके रॉड को एकदम चिकना रखना पड़ता है, इसके अंदर कोई गंद वगैरह ना हो, इसलिए दोस्तों अब इसको सबसे पहले ये थाली लगा देंगे इसकी, फिर ये दूसरी प्लेट भी लगा देंगे, उसके बाद दोस्तों इसकी स्प्रिंग लगा देंगे। बहुत से भाइयों को बहनों को ये पता नहीं होता, महिलाओं को, कि कैसे कसना आता है, तो दोस्तों इसको भी सीख लें आप। फिर उसके बाद ये नट लगा देंगे ऐसे करके, और दोस्तों इसको इतना टाइट रखना है जिससे कि हमारा जो नीचे का धागा है वो बिल्कुल इसके मैचिंग का होना चाहिए। डब्बी का धागा जितना टाइट होगा उतना ही ये किया जाएगा, तो सिलाई ठीक आएगी दोस्तों। अब दूसरा कारण है, अपनी डब्बी को चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्लाइडर खोलेंगे सबसे पहले, अंदर डब्बी है, इस डब्बी को निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, डब्बी निकल आई। आता है जब ये धागा बहुत टाइट होता है दोस्तों, ये देखो कितना टाइट हो रहा है दोस्तों। इस कंडीशन में अगर आपकी डब्बी हो तो दोस्तों एक छोटा सा स्क्रू लेना और छोटे से स्क्रू से हल्का सा इस नट को ढीला करना है ऐसे दोस्तों, ऐसे करके दोस्तों लूज करेंगे इसको। ये देखिए लूज निकलने लगा है दोस्तों, और कर देंगे हल्का सा और कर देंगे इसको लूज
ऐसे करके, ये देखिए दोस्तों अब बिल्कुल ठीक चल रही है ये। इस कंडीशन पे हल्का हल्का सा टाइट है, बस इस कंडीशन पे आपको सेट करके ये लगाना है। अब हम इस नट को टाइट करते हैं तो दोस्तों धागा हमारा टाइट हो जाएगा। अगर हमें धागा लूज चाहिए हल्का सा तो इसको नट को खोलेंगे हल्का सा, दो चार चूड़ी इसकी खोल देंगे तो दोस्तों ये लूज हो जाएगा। अब हमारा इस जगह पर ये बिल्कुल सेट है दोस्तों। अब डब्बी लगाते हैं दोस्तों, ये देखिए ऐसे डब्बी ऐसे लगता है दोस्तों। ये वाली नोक यहाँ नाल में एक खांचा होता है, ये देखिए ये रहा दोस्तों, यहाँ नाल में एक खांचा होता है, ये वाली नोक उस खांचे में जाएगी। डब्बी ऐसे पकड़ते दोस्तों, ऐसे करके और ऐसे करके सीधे इसमें, अगर किसी से ऐसे नहीं लगाना आ रहा तो मशीन को ऐसे उठा लो, ऐसे करके उठाने के बाद यहाँ से ऐसे पकड़ो, ऐसे लगा दो। अगर आपका हाथ अंदर से यहाँ से नहीं जा रहा ऊपर से तो उठा के मशीन ऐसे लगा सकते हो आप। अब देखो दोस्तों इस धागे को अब डाल के देखते हैं कि कितना ये टाइट हो चुका है दोस्तों। ये देखो दोस्तों बिल्कुल सही आ रहा है धागा, हल्का सा लूज कर लेंगे बस, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब दोस्तों ऊपर से धागा डाल लिया, टेंशन में डाल लिया, अब इसमें लवलवी में डालेंगे दोस्तों। अब धागा दोस्तों इसमें डालेंगे, ऐसे करके दोस्तों इसमें डालना है, ऐसे करके दोस्तों इसमें डालना है। अब ऐसे डाल लिया, ये देखिए ऐसे धागा डाल लिया दोस्तों। अब इसके बाद सुई में डालेंगे दोस्तों। पहला कारण दोस्तों टेंशन था, दूसरा डब्बी का धागा था जो डब्बी से चेक करना है, और तीसरा अभी बताते हैं इसमें सुई में पहले धागा डालें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों सुई में धागा डलेगा और इस स्लाइडर को लॉक कर देंगे ऐसे करके दोस्तों। तीसरा कारण होता है कि ये जो हमारा बूट है दोस्तों इसका दाब कम होता है, ये जो उठ रहा है इसमें जो स्प्रिंग होती है दोस्तों इसका दाब बहुत कम है दोस्तों, इसका दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, ये जो ऊपर का नट है इसको खोलेंगे ऐसे ऐसे करके, इसको खोलेंगे ऐसे दोस्तों। खोलने के बाद इसमें एक स्प्रिंग होता है, ऐसे उठाएंगे तो दोस्तों ये देखो हल्का सा ऊपर आ गया, ये हल्का सा ऊपर आ गया, इसको उठा लेंगे दोस्तों ऐसे। इस स्प्रिंग में दोस्तों तनाव कम हो जाता है तो इसको ऐसे तान के हल्का सा, ऐसे हल्का सा तान के लगा देंगे। दोबारा इसी में डालेंगे, इस गजे में ही ऐसे ही डाल देंगे दोस्तों, ये देखिए, और इस नट को कस देंगे दोस्तों ऐसे करके, ऐसे करके कस देंगे इसको, ऐसे करके दोस्तों कस जाएगा ये, ऐसे इतना कसेंगे दोस्तों। दाब चेक कर लो हल्का सा, ये देखो बढ़ता जा रहा है, और कस देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ये देखो अब ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया दोस्तों। इतने पर ही सेट रहने दो, अब सिलाई चला के देखते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना दोस्तों। हर बुधवार और शनिवार को और सोमवार को हमारी वीडियो सुबह 6 बजे डाली जाती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपको चला के दिखा रहे हैं मशीन, ये देखिए दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों हल्का सा ऊपर की साइड में दाना आ रहा है तो इसको लूज करेंगे। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, अगर ऊपर दाना आता है तो ऊपर के धागे को लूज करेंगे जिससे कि नीचे खिंच सके धागा, और नीचे दाना आता है तो इस धागे को ऊपर के को टाइट करेंगे। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखना, मशीन कभी ख़राब सिलाई नहीं देगा। अगर ऊपर दाना आता है तो इसको लूज करेंगे और नीचे दाना आता है तो इसको टाइट करेंगे। तो ऊपर दाना है तो इसको हमने लूज कर दिया। ये देखिए दोस्तों मशीन का सिलाई देखो दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पर यहाँ दाना आ रहा था, हमने लूज किया तो यहाँ सिलाई ठीक हो गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपको पास से दिखाते हैं हल्का, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलाई में दाना आ रहा था, ये देखो ये दाना आ रहा है, और यहाँ इसको हमने इस टेंशन स्प्रिंग को दोस्तों इसको लूज किया है हल्का सा, इसको हल्का सा लूज किया तो दोस्तों यहाँ पर देखो कितना बढ़िया साफ़ सिलाई आया। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सिलाई आ रहा है दोस्तों, ये देखो बिल्कुल क्लियरिटी आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल साफ़ सिलाई आ रहा है।
और दोस्तों पीछे की सिलाई देखो, पीछे की सिलाई एकदम क्लियर आ रही है दोस्तों, ये देखो बिल्कुल दोस्तों साफ सिलाई आएगी एकदम क्लियर। ये तीन कारण होते हैं दोस्तों, इनको चेक कर लो आपकी मशीन बिल्कुल क्लियर सिलाई देने लगेगी। ये तीन कारण की ही वजह से आपकी मशीन सिलाई ख़राब करती है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितना साफ सिलाई आ रहा है दोस्तों, एकदम क्लियरिटी सिलाई आ रही है। अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।